الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اپنے اکابر اپنے بزرگوں اور سلف صالحین کے تذکروں سے اپنے قلوب کو روشن کرنے کی ایک کوشش ہے اور اسی لیے ان شخصیات اور ان ہستیوں کے تذکرے ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں جمعہ خطبات میں. اس سے قبل تفصیل کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو چکا. گزشتہ جمعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا اور آج کی اس محفل میں مجلس میں تیسرے بڑے امام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام ادریس ہے، ان کے پردادا کا نام شافع تھا، ان کی وجہ سے پردادا کے نام شافع ہونے کی وجہ سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے. نام محمد ہے، محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ. خاندانی لحاظ سے قریشی ہیں اور ان کا نسب چند سلسلوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. ان کی ولادت ہوئی ہے شام میں، ملک شام یا فلسطین غزہ کے علاقے میں. ان کے والد تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ سے یہاں آئے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی ہے. ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد فوت ہو گئے، تو ان کی تربیت کرنے والی ان کی والدہ ہے. وہ انتہائی نیک خاتون تھی، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امانت دار اتنی تھی کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، اپنی چیزیں بطور امانت کے رکھا کرتے تھے. اسی پر ایک لطیفہ یاد آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے ایک صندوق ان کے حوالے کیا بطور امانت کی کہ اپنے پاس رکھ لیں اور ہم کچھ عرصے بعد لے لیں گے آپ سے. اس صندوق میں کچھ قیمتی مال تھا، کچھ نقدی تھی، کچھ درہم یا دینار وغیرہ.
उन्होंने रख लिया बतौर अमानत। कुछ अरसे के बाद एक आया उन दो में से और उसने आकर कहा कि जो संदूक हमने रखा था वो मुझे वापस कर दीजिए, अमानत थी, अमानत लेने के लिए आया। चुनाच उन्होंने संदूक दे दिया, वो चला गया। कुछ अरसे के बाद उसका दूसरा साथी, क्योंकि संदूक रखने वाले तो दो थे, एक आया संदूक ले गया, वो दूसरा आया और उसने आकर संदूक का मुतालबा किया कि हमने जो संदूक आपके पास रखा था बतौर अमानत के वो कहाँ है, मुझे चाहिए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने फरमाया कि वो तो तुम्हारा साथी आकर ले गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, जब रखने के लिए आए थे तो मैं साथ था, आपने मुझसे पूछे बगैर उसको दे दिया, मैंने तो आपसे लेना है, वसूल करना है, मुझे संदूक चाहिए। झगड़ा खड़ा कर दिया उसने। अब वो परेशान हो गई कि अब क्या करूं। इस दौरान इमाम शाफ़ी भी तशरीफ लाए और ये आपके बचपन लड़कपन का ज़माना था, आप इमाम नहीं थे, मुहद्दिस फकीह नहीं थे, मुफस्सिर नहीं थे, आलिम नहीं थे। जब आए झगड़ा देखा तो पूछा मसला क्या है। उस शख्स ने कहा कि मैं आया था आपकी वालदा के पास, संदूक रखा था, हम दो भाई थे या दो दोस्त थे, हम दोनों ने मिलकर संदूक रखा था बतौर अमानत के, अब रखा हम दोनों ने मिलकर था, वो आया और संदूक ले गया बकौल इनके, अब मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि मुझे संदूक चाहिए, इन्होंने क्यों दिया उसे, मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर संदूक उसको क्यों दे दिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बावजूद लड़कपन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता फरमाई थी, सारी बात को समझ गए। उससे कहने लगे कि भाईजान मैंने देखा है आपका संदूक पड़ा है, आपका संदूक पड़ा है, आप दो बंदों ने रखा था ना, अकेले आपने तो नहीं रखा। उसने कहा जी हम दो ने रखा था। फरमाया दूसरे को बुला कर ले आओ ना, फिर संदूक ले देना, दूसरे को बुला कर ले आओ फिर उठा कर ले जाना। अब जो झगड़ा करने के लिए आया था वो शर्मिंदा हुआ, सर झुका कर वापस चला गया, क्योंकि अगर दूसरे को लेकर आता है तो पकड़ा जाएगा कि ये ले गया, मानो ले गए हो कि नहीं ले गए, तस्लीम कर लेगा मैं ले गया हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। अब चूँकि उनकी मिली भगत थी कि एक ले लेगा दूसरा बाद में जाकर मुतालबा करेगा, और उनसे फिर जिस तरह हमारे यहाँ होता है पोर ले लेना, इस तरीके से कुछ मजीद वसूल कर लेगा, तो उनका मनसूबा नाकाम हो गया। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा अपने इलाके में अमानत में बड़ी मशहूर थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी और तकवा की दौलत से नवाजा, और फिर वालिदैन का असर हुआ करता है औलाद पर, वालिदैन जैसे होंगे तो औलाद पे उनका असर होगा, अगर वो नेकी तकवा वाले हैं तो फिर उनके तकवा का असर होगा। तो वालदा मोहतरमा छोटी उम्र में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा आ गई, क्योंकि इमाम शाफ़ी का असल वतन तो मक्का ही था, कुरैशी थे, मक्का मुकर्रमा आ गई। चुनाचे 10 साल की उम्र थी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की कि मक्का मुकर्रमा आए, और 10 साल की उम्र में ही इल्म हासिल करना शुरू किया। इस दौरान इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तस्करे मक्का मुकर्रमा में सुना करते थे, मदीना मुनव्वरा से आने वाले, मदीना जाने वाले वाक़यात सुनाते थे कि मदीना मुनव्वरा में इमाम है मालिक इब्ने अनस है रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अल्लाह ने मकाम दिया है, मस्जिद नबवी के अंदर दरस हदीस देती हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाली हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। ये ज़िक्र खैर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सुना करते थे लोगों से, और इनके दिल में शौक़ पैदा हो रहा था कि मैं भी किसी तरीके से मदीने पहुँचूँ और वहाँ जाकर उनकी ज़्यारत करूँ और उनसे इस्तिफादा करूँ, कुछ इल्म हासिल करूँ। लेकिन असबाब नहीं थे, उम्र छोटी थी, 14 साल की उम्र, हमारे यहाँ तो 14-15 साल के बच्चे को नमाज के लिए नहीं उठाया जाता, अभी बच्चा आए भाई सोने लो, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा नमाजें। और वालदा ने 10 साल की उम्र में इल्म के लिए वक्फ कर दिया। चुनाचे 14 साल की उम्र है, इरादा पुख्ता किया
पता चला कि एक काफिला आया हुआ है मदीना मुनव्वरा से। ये वहाँ पहुँच गए, बसों गाड़ियों का ज़माना तो था नहीं, ऊँटों पर लोग आया करते थे, उमरा करके वापस चले जाते। वहाँ काफिले की तरफ गए तो वहाँ देखा कि एक बूढ़े आदमी, एक बुज़ुर्ग वो बैठे हैं सामने, और उनकी नज़र पड़ गई आने वाले 14 साल बच्चे पर। उसने जू ही देखा तो बुला लिया, बेटा इधर आओ, चले गए। उनसे कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ, दस्तरखान पे बिठा दिया। इन्होंने दावत कबूल कर ली, दस्तरखान पे बैठ गए, खाना खा लिया। जब खाना खा लिया तो वो बूढ़ा आदमी बड़े गौर से इनकी हरकत सकनात को देख रहा था। जब खाने से फारिग हुए तो उसने सवाल किया कि क्या आप मक्का के रहने वाले हैं? मैंने कहा जी मैं मक्की हूँ। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि आप कुरैशी हैं? इसने कहा जी मैं कुरैशी हूँ। लेकिन आपको कैसे पता, आप कैसे जान गए कि मैं मक्का के रहने वाले हूँ, मैं कुरैशी हूँ? उसने कहा तुम्हारे आने का अंदाज, तुम्हारा फौरन दावत को कबूल कर लेना, और फिर खाने का अंदाज और दस्तरखान पर बैठने का अंदाज, ये मुझे बता रहा था कि तुम्हारा ताल्लुक कुरैश से है। तो बाहर तौर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तस्करी इमाम शाफी ने मक्का मुकरमा में सुने तो शौक पैदा हुआ, और जब काफिले का पता चला तो वहां पहुंच गए। और फिर उस जब अल्लाह के उस नेक बंदे ने, उस बुजुर्ग ने, उस शेख ने जब गुफ्तगू की इस नौजवान के साथ, इमाम शाफी के साथ, तो इन्होंने फिर सवाल कर दिया कि आप मदीने के रहने वाले हैं? उसने कहा जी मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मदीने से आया हूँ। तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि मदीना मुनव्वरा में इस वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती कौन है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फतवा देता हो? उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी में इमाम मालिक मौजूद हैं, वही सबसे बड़े मुफ्ती हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र है, उनसे कहती हैं कि बड़ा शौक़ है मुझे जाने का कि उनसे मुलाकात करूँ, उनका शागिर्द बनकर वहाँ ठहरूँ, लेकिन असबाब नहीं है। उसने कहा असबाब से क्या मुराद, खर्चा नहीं है? इसने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया ठीक है, हमारे पास एक ऊँट खाली है, हमारे साथ चले जाओ। ऊँट पे सवार करा लिया, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। 8 दिन में सफ़र तय हुआ। आजकल तो 5 घंटे में हो जाता है ना, 5-6 घंटे में सफ़र हो जाता है। रास्ते में खाना भी खा लिया, नमाजें भी पढ़ ली, 8 घंटे में, 6 घंटे में सफ़र हो जाता है। वहाँ पर 8 दिन लगे उनको ऊँटों पर सफ़र करते हुए। और जब वहाँ पहुँचे तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, और पहली बार जब उनके दर्स में शामिल हुए, उन्होंने दर्स हदीस देना शुरू किया तो सारे शागिर्द बैठे हैं, लिख रहे हैं दर्स हजरत का, लिख रहे हैं हदीसें, लिख रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तिनका उठाया और उसे लुआब लगाकर अपनी हथेली पे लिखते हैं। इमाम मालिक जो हदीस बयान करते हैं ये अपनी हथेली पे लिखते हैं। इमाम साहब की नज़र थी, देख लिया। जब दर्स मुकम्मल हुआ, बाकी तालिब इल्म चले गए, ये बैठे रहे, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने करीब बुलाया, इधर आ जाओ, कहाँ से आए हो? जी मक्का से आया हो। ठीक है, पढ़ने आए हो? जी पढ़ने के लिए आया हो। फरमाया जब तुम्हारे अंदर अदब ही नहीं है तो तुम कैसे पढ़ोगे? अदब ही जब तुम्हारे अंदर नहीं है तो पढ़ोगे कैसे? इल्म तो बगैर अदब के नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उसने कहा मैं देख रहा था तुम्हें, सारे तालिब इल्म अहादीस को नकल कर रहे थे अदब के साथ, और तुम तिनका उठाकर अपनी हथेली पर क्या कर रहे थे? दिखाओ मुझे, अगर तुमने लिखा है तो दिखाओ। उसने कहा जी लिखा हुआ तो कोई नहीं है। मैं भी बताओ, बेअदबी नहीं? उसने कहा हुजूर आप देख रहे थे कि मैं तिनके के साथ हथेली पे लिख रहा हूँ, दर हकीकत वो तो कागज़ों पर लिख रहे थे, मैं अपने दिल पे लिख रहा था। जो आपने बयान फरमाया आप मुझसे सुन सकते हैं। चुनांचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी अहादीस उस मजलिस में सुनाई थी, लिखवाई थी, इमाम शाफी ने सारी अहादीस ज़बानी सनद के साथ सुना दी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए, फरमाया आओ मेरे साथ चलो। अपने साथ मेहमान खाने पर ले गए, घर पर ले गए, और उसके बाद ग़ुलाम से कहा कि खाना लगाया जाए, दस्तरखान लगाया गया। पुरतकल्लुफ़ दावत की इमाम मालिक ने, पुरतकल्लुफ़ दावत। 2 बर्तन आए,
ढककर लेकर आए, सामने रख दिए। गुलाम से फरमाया कि मेहमान के हाथ धुलवाओ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हाथ धोने लगे तो इमाम मालिक ने गुलाम से कहा कि अपने हाथ तो तुमने धोए नहीं है, अपने हाथ तो तुमने धोए नहीं है। तो इमाम शाफी ने पूछा सादे मोहतरम, पहले अपने हाथ धोएगा? फरमाया हाँ। आप भी सुन लें। फरमाया कि हाँ, अदब का तकाजा ये है कि मेहमान के हाथ धुलवाने से पहले मेज़बान अपने हाथ धोए, ताकि मेहमान को पता चले कि मेरे साथ खाने में ये भी शरीक होंगे, सिर्फ मुझे नहीं खिला रहे बल्कि खुद भी खाएंगे, मेरे साथ खुद भी खाएंगे, ताकि वो अगर तकल्लुफ़ कर रहा है या कुछ झिझक महसूस कर रहा है तो उसकी झिझक और उसके तकल्लुफ़पन ये ख़त्म हो जाए, वो आसानी से हाथ धोएगा। लेकिन जब खाना खा लिया जाए तो फिर मेज़बान को आखिर में हाथ धोने चाहिए, फिर पहले ना धोए। ऐसे नहीं कि पहले उठकर चला जाए, मेहमान बैठे रहें, नहीं, फिर आखिर में हाथ धोए, इसलिए कि ताकि मेहमानों को एक तो उनका एहतराम होगा, पहले उनके हाथ धुलवाए, और दूसरा इसलिए भी कि हो सकता है कि बाद में कोई बंदा रह गया और बाद में खाने के लिए आ जाए तो फिर हाथ ये धो चुका होगा, तो हाथ धोने से पहले उसको बिठा सकता है दस्तरखान पर, उसको खिला भी सकता है, उसके साथ दोबारा खा भी सकता है। ये दस्तरखान का अदब। चुनाची इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बैठे, पुरतकल्लुफ खाना था ना, जब कपड़ा हटाया गया तो इमाम शाफी ने देखा कि एक बर्तन में चंद खजूरें हैं और दूसरे बर्तन में दूध है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बेटा नाराज ना होना, एक फ़कीर का फ़कीर के लिए खाना ऐसे ही हो सकता है। घर में जो कुछ था वो लेकर आए, कुछ और होता तो वो लेकर आते, घर में यही कुछ था, चंद खजूरें पड़ी थी वो लेकर आ गए, दूध पड़ा था तो वो लेकर आ गए, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास दर्स हदीस लेने के लिए पहुंच जाती है, इल्म हासिल करने के लिए पहुंचते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत हाफ़िज़ा भी अता फरमाया था, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको खूब नवाजा था। यह हस्तियां जो मकाम हासिल किया, ऐसे तो नहीं किया, अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहते हैं अपने दीन के काम के लिए चुन लिया करते हैं, और फिर उसी के मुताबिक अल्लाह ताला उनको इस्तेदाद भी अता फरमाते हैं, सलाहियतें भी अता फरमाते हैं। तो इन हस्तियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब नवाजा था, खूब सलाहियतें अता फरमाई थी, इस्तेदाद अता फरमाई थी। जैसे शुरू में अर्ज किया था ना, आपको याद होगा चंद जुमे कबल इज्तिहाद के बारे में, इज्तिहाद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इन लोगों को इस पर अबूर हासिल था। जब ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास बतौर शागिर्द के थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़माने में एक शख्स आया और उसने आकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक मसला पूछा। उसने कहा हजरत, मैं ताजर हूँ और मैं कुमरियाँ बेचा करता हूँ, कुमरी उनको बोलना सिखाता हूँ और फिर उसके बाद उसे बेच दिया करता हूँ। तो मेरे पास एक शख्स आया ख़रीदने के लिए, उसने मुझसे कुमरी ख़रीदी और इस शर्त पर कि ये बोलती है, मैंने कहा बिल्कुल बोलती है, तो वो ले गया, कीमत अदा कर दी, ले गया। वो दूसरे दिन मेरे पास आया और कहने लगा तुमने झूठ बोला था, ये तो बोलती नहीं है, खामोश है। तो वो कहने लगा, मेरी काफ़ी उसके साथ बहस हुई, तकरार होती रही, आखिर में मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे गुस्से में कहा कि अगर मेरी कुमरी बोलती रहती नहीं है तो फिर मेरी बीवी को तलाक, मेरी कुमरी तो हर वक्त बोलती रहती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे तलाक। ये लफ्ज़ उस ज़माने में भी इस्तेमाल होता था, कि आजकल की नई बात नहीं है, लेकिन होता कभी कभी था और फिर वो लोग परेशान हो जाया करते थे। पर आजकल तो ये कोई मसला ही नहीं बना हुआ, रोज़ाना चल रहा है तलाक तलाक चल रहा है, और फिर साथ रह भी नहीं है इकट्ठे, ज़िंदगी भी गुजर रही है। एक नौजवान ने, यहाँ डेरे की बात कर रहा हूँ, एक नौजवान ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी, ये थोड़ा सा पहले की बात है, मेरे पास आया, उसने जो तफसील बताई तो मैंने कहा भाई तलाक हो चुकी है, अलहदगी इख्तियार कर लो। वो चंद दिन के बाद मुझे दोबारा मिला तो उससे पूछा क्या हुआ, वो कह रहे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बीवी को भेज दिया, उसने कहा नहीं,
मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा मैं घर गया, मैं बीवी से बात कर रहा था, मेरी माँ सामने बैठी थी, वो कहने लगी बेटा तीन चक्रों में पड़ गए, छोड़ दो मौलवियों मुफ्तियों को, इससे तलाक कहाँ होती है, तुम्हारा बाप मुझे रोजाना तलाक देता है, मुझे हुई है कोई? रोजाना देता है, मुझे नहीं हुई तो तुम्हारी बीवी को कैसे हो गई? मजाक बना रखा है, अल्लाह के दीन के साथ मजाक, अल्लाह के अहकाम के साथ मजाक है। ये लफ्ज़ इतना बुरा है, गो के शरीयत ने इसके लिए गुंजाइश रखी है, इजाज़त दी है, लेकिन नापसंदीदगी की नज़र से देखा गया है। अल्लाह तबारक व ताला गुस्सा होते हैं और गज़ब की नज़र से देखते हैं, बचना चाहिए इन चीज़ों से। इसकी बजाय कुछ और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इजाज़तें हैं बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के। आप मिंबर पे बैठ कर मैं नहीं कह सकता, वरना फिर सजाएं भी तो हैं ना, आप मिले या न मिले मौलवी को सजा मिल जाती है जल्दी। तो बाहर तो और तरीके और भी हैं किसी की इसलाह करने के, किसी की समझाने के, और कुरान हकीम के अंदर पूरी तफसील है। चंद दिन पहले हमारे दरस कुरान चलते हैं, तो उसमें सूरत नूर में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम की सूरत नूर में मुआशरत से मुतालिक उसूल बयान फरमाए हैं, घरेलू जिंदगी से मुतालिक, आपस में रिश्ते निभाने से मुतालिक उसूल बयान फरमाए हैं। तो उसके अंदर ये उसूल भी बताया हमें कि तीन औकात ऐसे हैं कि किसी भी शादीशुदा मियां बीवी के कमरे में किसी को बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए, ये कुरान ने बताया, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं। कौन से औकात? फरमाया रात का वक्त, सुबह का वक्त, इशा का वक्त और दोपहर को आराम करने का वक्त। अब नहीं जानता कोई भी कि इस वक्त घर वाला जो कमरे में है, अपने खलवत खाने में है, वो किस हाल में होगा, बीवी के साथ होगा, कोई गुफ्तगू कर रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, किसी और हालत में होगा। तो मना कर दिया कि औलाद भी बगैर इजाजत के अंदर ना जाए, औलाद की तरबियत इस अंदाज से की जाए कि माँ बाप अगर अंदर है, सुबह का वक्त है या दोपहर का वक्त है खुसूसन गर्मियों में, और रात का वक्त है, अगर वो सो रहा है तो किस हाल में सो रहा है। सुबह का वक्त होता है मसलन आप दफ्तर की तैयारी कर रहे हैं, आप उस वक्त कपड़े लिबास तब्दील कर रहे हैं, किस हाल में है, ये टाइम खास टाइम होता है, इसलिए रोका गया इस टाइम में बगैर इजाजत के अंदर ना जाओ। इशा के बाद भी इस तरह, दोपहर को भी इस तरह। और ये आयत क्यों नाजिल हुई, इसकी शान नज़ूल में फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम को भेजा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के पास कि जाकर उमर को बुला लाओ। वो बुलाने के लिए आया तो दोपहर का वक्त था, फारूक आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु तहबंद बांधे हुए थे और आराम कर रहे थे, कैलूला कर रहे थे, दोपहर का वक्त। वो गुलाम बगैर इजाजत के अंदर आ गया और उस वक्त वो कपड़ा जो था हजरत फारूक आजम की टांग से हटा हुआ था, घुटने तक सतर है ना एक मर्द का, नाफ से लेकर घुटने तक सतर है, तो वो घुटने से ऊपर तक कपड़ा हटा हुआ था। उसने आकर आवाज दी, फारूक आजम उठकर बैठ गए, तो फारूक आजम ने सोचा कि क्या ये अच्छा होता कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल ये हुक्म सुना देते कि ऐसे औकात में कोई किसी के पास बगैर इजाजत के न जाए। उमर ने सोचा, रब ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, हुक्म आ गया कि एक वक्त नहीं, उमर तुम्हारी राय तो है ना, मैं रब कहता हूँ तीन औकात ऐसे हैं कि कोई बगैर इजाजत के किसी की खलवतगाह में न जाए। तो जब ये दर्स चला तो किसी के पास पहुंचा, तो एक साथी ने मुझे मैसेज किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने बच्चों को भी सुनाया, अपने जो घर में काम करने वाले हैं उनको भी सुनाया कि बगैर इजाज़त के ना हमारे कमरे में आया करो ना किसी और के कमरे में, और इस तरह की चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये अल्लाह ताला ने सारे अहकाम कुरान में बयान पहले से कर दिए हैं, हम कुरान के करीब जाते ही नहीं हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है कुरान पाक को समझने के लिए, कुरान पाक को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पर नई चीज़ें अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बता दी हैं, ये अहकाम तो पुराने हैं आज के नहीं हैं। तो बाहर तौर में अर्ज़ कर रहा था, बात याद है ना, कुबरी बेचने वाला, तो उसने कहा कि वो मेरे साथ बहस करने लगा, तकरार करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मेरी कुबरी हर वक्त बोलती रहती है, हर वक्त बोलती रहती है, अगर ऐसा ना हो
तो मेरी बीवी को तलाक। तो अब क्या तलाक हो गई? इमाम मालिक ने फरमाया कि हाँ तलाक हो गई। शकील बैठे हुए थे सारे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ तलाक हो गई। तुमने कहा है ना कि वो हमेशा बोलती रहती है, क्या वो सोती नहीं है? वो सोती भी तो होगी, परिंदा है वो भी सो जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। उस वक्त तो नहीं बोलते खाते हुए और सोते हुए, तो कोई नहीं बोला करता। तुमने कहा हमेशा बोलती रहती है, अगर ऐसा ना हो तो फिर तलाक है। और हमेशा तो बोलती नहीं है, वो खामोश भी होती है। तलाक हो गई। वो शख्स सर झुका कर वहां से चला। जो शागिर्द बैठे थे उनमें इमाम शाफी भी थे, अभी तालिब इल्म थे, ये वहां से उठे और उस शख्स के पीछे चल पड़े। घर के दरवाजे तक वो शख्स पहुंचा तो पीछे ये भी पहुंच गए। आवाज दी, रुको जरा। वो रुक गए। उसने कहा मुझे दोबारा मसला सुनाओ जो अभी तुमने पूछा वहां पर। उसने दोबारा वही बात सुनाई। फरमाया तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। ये वापस आकर शागिर्दों में बैठ गए। अब यहां पर चूंकि नहीं कहा कि उस्ताद बैठे थे, मसनद पर उस्ताद थे, यहां पर अदब के खिलाफ था बोलना एक शागिर्द का, तो वहां जाकर उसको मसला बताना भी जरूरी था। वो शख्स भी दोबारा आ गया। दोबारा आकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से वही मसला पूछा, हजरत बताइए। हजरत ने फरमाया कि तलाक हो गई। वो कहने लगा हुजूर आपके शागिर्द ने अभी आकर मुझे बताया कि तलाक नहीं हुई। मेरा शागिर्द? फरमाया हाँ आपका शागिर्द। कौन सा? बताया इमाम शाफी थे। खड़े हो गए। उस्ताद ने पूछा हाँ भाई कैसे तुमने कहा तलाक नहीं हुई? उसने कहा उस्ताद मोहतरम आपने हमें हदीस शरीफ पढ़ाई थी, आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपसे पढ़ते हैं। आपने हदीस पढ़ाई थी और उस हदीस में ये था कि हजरत फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबिया हैं, वो बेवा हो गई थी तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर मशवरा करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो तरफ से रिश्ता आ रहा है, दो तरफ से, एक है मुआविया और दूसरा है अबू जहम, अब इन दो में से किसका रिश्ता मैं कबूल करूं? दोनों ने कहा का पैगाम भेजा है, मैं किसको कबूल करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुआविया है वो तो कंगाल है, कुछ नहीं है, तंगदस्ती है वहां पर, खाली जेब है, कुछ नहीं है उसके पास, और जो दूसरा है ना वो हमेशा लाठी अपने कंधे पे रखता है, कभी उसे उतारता नहीं है। लाठी हमेशा कंधे पे रखता है, कभी उसे उतारता नहीं है। लकड़ी हमेशा कंधे पे होती है। क्या मतलब है समझते हो? बता सकता है कोई? जी हाँ, सख्त मिजाज है, डंडा होता है हर वक्त, लकड़ी से मुराद डंडा, सीधा करके रखेगा वो। तो आपने दोनों की जो सिफात थी बता दी, एक खाली हाथ है, कंगाल है, तंगदस्त है, और दूसरा लकड़ी हर वक्त कंधे पे होती है। तो इमाम शाफी कहने लगे कि उस्ताद मोहतरम आपने हदीस सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था हजरत फातिमा बिनत कैस से कि वो हर वक्त लकड़ी अपने कंधे पे रखता है, कभी उसे उतारता नहीं है। तो क्या वो सोता नहीं था? तो क्या वो आराम नहीं करता था? क्या वो कजाए हाजत के लिए नहीं जाता था? आपने जो फरमा दिया कि हर वक्त रखता है, कभी उतारता नहीं है, तो जरूरत के वक्त तो वो उसे उतार देता था ना, लकड़ी को रख देता था, हर वक्त तो नहीं होती थी कंधे पर। इमाम मालिक ने फरमाया कहा फरमाया कि जो वहां पर मसला है वही मसला कुबरी का है, यानी जब तक वो बेदार रहता है अक्सर उसके पास लाठी रहती थी, और कुबरी भी जब तक बेदार रहती है अक्सर बोलती रहती है, लिहाजा तलाक नहीं हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे शागिर्द का फतवा ठीक है। इसी को कहते हैं इज्तिहाद, पहले भी अर्ज किया था शायद। तो बाहर तौर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक से इल्म हासिल करते हैं, फिर वहां से चलते हैं। यहां तक जो दीन पहुंचा ना ऐसे नहीं पहुंचा, मेहनतें मुशक्कतें उठाई गई हैं, सफर दर सफर किए गए, बचपन से लेकर लड़कपन से लेकर जवानियां सारी खपा दी, और उसके बाद फिर यमन पहुंचते हैं, यमन से फिर मक्का आते हैं, फिर वहां से बगदाद पहुंचते हैं। तो वहां पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होती है, और जब इमाम मोहम्मद के इल्म को देखते हैं तो उनकी शागिर्दी इख्तियार करते हैं।
और जब दरख्वास्त पेश करती है कि हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए, इमाम मोहम्मद जवाब में कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी सारी जिंदगी मसरूफ गुजर रही है, मेरे पास कोई वक्त नहीं आपको पढ़ाने के लिए, किस टाइम पढ़ाऊं। तो चुनांचे एक दिन कहने लगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद से कि हजरत मैंने देखा है कि आप असर के वक्त फलां मस्जिद जाते हैं जो यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं, और उस वक्त आप घोड़े पर सवार होकर जाती हैं, चूँकि फासला है ज़रा। उन्होंने कहा जी वहाँ जाता हूँ घोड़े पर सवार होकर। तो इमाम शाफी कहने लगे कि हज़रत वो वक्त तो आपका फ़ारग होता है ना। उन्होंने कहा जी वक्त कहाँ फ़ारग है, पढ़ाने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर शागिर्दों को पढ़ाना होता है, वहाँ पर टाइम तो नहीं होता। अर्ज़ करने लगे हज़रत मैं उस टाइम का नहीं कह रहा, जब आप घर से निकलते हैं घोड़े पे सवार होते हैं तो घोड़े पे सवार होने से लेकर वहां पहुंचकर घोड़े के उतरने तक जो वक्त होता है आप घोड़े पर सवार रहे, मैं साथ साथ दौड़ता रहूंगा, अपने असबाक मुकम्मल कर लिया करूंगा। तो लोग कहते हैं कि हमने देखा इमाम शाफी को कि इमाम मोहम्मद के घोड़े के साथ चल रहे होते थे, दौड़ रहे होते थे, असबाक सुना भी रहे होते थे, याद भी कर रहे होते थे। मेहनतें की उन्होंने, मुशक्क़तें उठाई हैं और इल्म को हासिल किया है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा, ज़हानत भी अता फरमाई, तफक्को भी अता फरमाया, फहम व फरासत से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा। एक मरतबा किसी इलाके में तशरीफ ले गए तो वहां पर शाम का वक्त था, अब कहाँ रात गुजारी जाए, कहाँ ठहरा जाए, तो एक जगह एक शख्स मिल गया, उससे बात की, उसने कहा जी जगह है, लेकिन जब उसको गौर से देखा तो कहने लगे मैं किताबें तो बड़ी पढ़ चुका हूँ, दिल में सोचा जो मैंने कयाफा से मुतालिक किताबें पढ़ी हैं उससे तो मुझे ये लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी शक्ल सूरत कयाफा इसका ये बताता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, ख़तरनाक है, क्या करूँ। लेकिन फिर देखा उसके हाथ में तस्बीह नज़र आई, उसके माथे पर मेहराब बना हुआ नज़र आया, तो कहा नहीं ऐसा नहीं, शायद कि मेरा कयाफा गलत हो। लेकिन बंदा बड़े अखलाक से पेश आया, उसने चंद मिनट आपको ठहरा कर अंदर जाकर कमरा दुरुस्त किया, फिर आपको अंदर बुलाया, आप अंदर चले गए, बेहतरीन बिस्तरा उसने लगा दिया था, वहाँ पर हजरत पहुँच गए, फिर उसने खाने का पूछा, आपके लिए बेहतरीन खाना लेकर आ गया, और फिर जो आपके पास घोड़ा था उसके लिए चारा लेकर आया, घोड़े के आगे चारा डाल दिया। तो हजरत कहने लगे जब सुबह होगी ना तो इस उन्वान से मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं ना वो सारी किताबें मैं जला दूंगा, वो सारी किताबें गलत हैं, ये बंदा तो उसके ख़िलाफ़ निकला, कयाफा तो ये कहता है, वो इलम तो ये कहता है कि बंदा ठीक नहीं है, इंतहाई ख़तरनाक है, और ये बंदा तो बड़ा खिदमतगार है, बड़ा बाअदब है, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करना, बिस्तर का इंतज़ाम करना, मेरे घोड़े के लिए चारे का इंतज़ाम करना, बंदा तो बड़ा अच्छा है। जब सुबह हुई इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए जाने लगे तो सोचा उसका शुक्रिया अदा कर लूँ जो मेरा मेज़बान था, मुझे बिस्तर दिया, खाना दिया, घोड़े को चारा दिया, पानी का इंतज़ाम किया, शुक्रिया अदा करने के लिए गए, वो सामने खड़ा था, उससे कहा आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें क़याम की जगह भी दी, रात को ठहरने की जगह भी दी, सर्दी का मौसम है, आपने गर्म बिस्तर भी दिया, आपने खाना भी दिया, मेरे घोड़े को चारा भी दिया। उसने कहा ओए मेहमान ये शुक्रिया अपने पास रखो, 5 दिरहम का मैंने खाना ख़रीदा था तुम्हारे लिए, वो दो मुझे, मैंने खुद अपनी रात तंगी में गुजारी है, तुझे आराम पहुँचाया, बिस्तर दिया था, उसका किराया 3 दिरहम वो मुझे दो, तुम्हारे घोड़े के लिए मैं चारा लाया था, घास लाया था, इतने दिरहम खर्चा किया था, वो भी लाओ, जल्दी करो अल्लाह तुम्हें रुसवा करे, साथ दुआ भी दे दी, जल्दी मेरी रकम अदा करो अल्लाह तुम्हें रुसवा करे। इमाम शाफी कहते हैं जो मैंने पढ़ा था सारा ठीक पढ़ा था, कि बज़ाहिर मुझे नेकी लग रही थी लेकिन उसका अंदर अंदर की जो खबासत थी बाद में सामने आई, खुलकर सामने आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उनवान से उनको नवाजा था। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मकूला है, उनके अशार भी हैं इस पर, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने अपने उस्ताद के सामने शिकवा किया, शिकायत की हाफ़ज़े की कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो रहा है, तो फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने जब ये बात सुनी तो मुझे कहने लगे अगर हाफ़ज़ा कमज़ोर हो रहा है तो फिर गुनाहों से अपने आप को बचाओ,
क्योंकि गुनाह ऐसी चीज़ है जो इंसान की कुव्वत हाफ़िज़ा को कमज़ोर कर देने वाली है। और जो इल्म है हकीकी इल्म, ये इंग्लिश मैथ बायोलॉजी और यही इल्म नहीं, बल्कि वो इल्म जो वही के ज़रिए से आया है, वो उलूम जो अम्बिया ने मुसलाम की तरफ से उम्मत तक पहुँचते हैं, वो उलूम फरमाया कि वह अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगार दिल में नहीं आ सकता। इसलिए फरमाया अगर इल्म हासिल करना है, अपने कुव्वत हाफ़िज़ा को मजबूत करना है, तो फरमाया कि गुनाहों को छोड़ दो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को अपने उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं, इमाम शाफ़ी वो शख्सियत जिनकी रातें मुसल्लों पर गुजरती हैं, जिनका दिन तिलावत में गुजरता है, जिनकी ज़बान से खैर के अलावा कोई कलमा निकलता ही नहीं है, उनको नसीहत की जा रही है गुनाहों से बचो। और हम जिनके सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक गुनाह ही गुनाह है, आज हमारे पास अकल सलीम तो नहीं रही ना, आज हमारे पास वो अकल नहीं रही जिसको हकीकी अकल कहा जाता है। अकल मुआश है हमारे पास, दुनिया कमाने के लिए हमारे पास अकल है, ऐसे तरीके निकाल लेती है कि दुनिया हैरान रह जाती है। किस तरीके से हर बात में तहकीक करना, हर बात में तहकीक करना, हर चीज़ की नकल तलाश कर लेना, ये हमारे लिए आसान है। कमाई करने के लिए नए नए तरीके निकालना, ये हमारे लिए आसान है। लेकिन वो अकल जिसके ज़रिए से इंसान की आखिरत संवरती है, आज हमारे पास वो अकल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है ना, तो एक दरख्त को देखकर एक शख्स जो अकल मुआश रखने वाला है और उसका ताल्लुक लकड़ी के काम से है, तो वो उसे देखकर अंदाज़ा लगा लेगा कि इससे कितने फट्टे तैयार हो सकते हैं, तख्ते तैयार हो सकते हैं, इससे कितनी मेज़ें बन सकती हैं, इस दरख्त में से, इसके तने से कितनी कुर्सियां बन सकती हैं, कितने बेड तैयार हो सकते हैं, वो एक अंदाज़ा लगा लेगा। इसी तरह अगर एक जलाने के लिए लकड़ी बेचने वाला है, तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कितने मन लकड़ी यहाँ से निकल सकती है, वो इससे ये अंदाज़ा लगाएगा। लेकिन जिसके पास अक्ल सलीम होगी, वो वहाँ पर ठहर कर कुर्सी और मेज़े के अंदाजे नहीं लगाएगा, वो बतौर ईंधन के उसका वजन मालूम नहीं करेगा, बल्कि वहाँ पर देखकर वो उसकी ज़बान से सुभान अल्लाह निकलेगा कि मेरे अल्लाह ने किस शान से इस दरख्त को बारीक बारीक रगों पर खड़ा कर दिया है, बारीक जड़ों पर इतने तनावर दरख्त को खड़ा कर दिया मेरे परवरदिगार ने, और क्या शान है मेरे परवरदिगार की, कितनी अजमतों वाले मेरे परवरदिगार हैं कि बगैर किसी पंप के, बगैर किसी वाटर पंप के पानी जड़ों से लेकर दरख्त की आखिरी शाख और आखिरी पत्ते तक पहुंचा दिया है। फिर वो इस तरफ सोचेगा। लेकिन आज हमारी सोच हर मामले में, हर बात में सिर्फ दुनिया की हद तक रहती है कि हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, हम कितना कुछ कमा सकते हैं। हालांकि मुसलमान की ये सोच नहीं होनी चाहिए थी, ये तो कुफार की सोच है, इन चीज़ों में सोचे कि भाई ये कैसे हुआ और इसका हल क्या हो सकता है, इसका तोड़ क्या हो सकता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो उनका काम है। हमारा काम तो ये होना चाहिए था, हमने अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, हमारा रब हमसे कैसे राज़ी हो सकता है, कौन सा तरीका अख्तियार करें कि मैं मखलूक की खिदमत भी कर लूँ और अपने रब को राज़ी भी कर लूँ। एक मुसलमान की सोच तो ये होती है, वरना बाकी दुनियावी चीज़ों की सोच तो उनकी है, उनके पास वक्त होता है कि वो एक एक बात में सोचें, मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं होता। वो जिस तरह है तो एक लतीफ़ा ही कि एक मरतबा एक गैर मुस्लिम आया किसी गैर मुल्क से पाकिस्तान आया, तो एक दोस्त ने उसको जलेबी खिलाई। जलेबी आजकल सीज़न है ना, तो उसने थोड़ी सी खाई और बाकी उसने लपेट कर छुपा कर जेब में डाल दी, छुपा ली उसने। जो अपने मुल्क वापस गया तो अपने दोस्त के पास चला गया, उसे कहता यार पाकिस्तान गया था और बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी, अब इस पर तहकीक करनी है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा देखे पतले पतले पाइप हैं, इनके अंदर शीरा भरा हुआ है। अब ये पाइपों में शीरा कैसे भरा गया, पाइपों के अंदर शीरा कैसे भरा गया? उसने कहा यार मेरा दिमाग ना खाओ, परेशान ना करो, पहले से परेशान हूँ। उसने कहा आपको क्या परेशानी? उसने कहा मैं पिछले साल गया था पाकिस्तान, मैं भी एक चीज़ लेकर आया हूँ। उसने कहा क्या? अलमारी से समोसा उठा कर लाया। उसने कहा पता नहीं इसमें आलू कैसे भरे गए। अब ये उनका काम है फजूल चीज़ों में अपने दिमाग को खपाना, है मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान ये सोचेगा मेरा रब कैसे राज़ी होगा,
मैंने अल्लाह को किस तरीके से राजी करना है और मैंने किस तरीके से अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। तो हमारे अकाबरीन ने यही कुछ किया, उनकी कोशिश ही होती थी कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए और ये कोशिश होती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर जाएं, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करके जाएं, लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाएं। आजकल तो हमारी कोशिश ये होती है ना कि कोई जाता है जहन्नम तो जाने दें उसे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक मरतबा एक वाक्य पेश आया और उस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार तालिबे इल्मों में होता था कि उस वक्त के मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद का मसला था कि वो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, बातें हो रही थी और फिर नरम नरम गुफ्तगू होते होते ज़रा गर्म गुफ्तगू होने लगी। अक्सर ऐसे होता है ना, पहले ज़रा मोहब्बत की गुफ्तगू होती है, किसी बात पर इख्तिलाफ आ जाता है, फिर सख्ती आ जाती है। तो उधर ज़ुबैदा खातून बैठी है, इधर हारून रशीद बैठा है। जब बात तलखी की तरफ आई तो ज़ुबैदा ने अपने खावंद से कह दिया, हारून रशीद को, बादशाह को कह दिया कि आप तो जहन्नमी हैं। तो उसने फौरन जवाब में कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो फिर तुम्हें तलाक। अब फैसला कौन करे भाई, जहन्नमी है कि जन्नती है, क्योंकि फैसला तो आखिर में होना है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, खात्मे पर ही है दारोमदार को। अभी तो जिंदा है वो, अब जहन्नमी है जन्नती क्या है। उलमा को जमा किया, सारे मुल्क के उलमा जमा है, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं। अब फरमाया कि हाँ मसले का हल निकालो। अब कौन बताए कि जनाब आप जहन्नमी है, कोई कह सकता है? और कोई ये भी कह सकता है कि आप जन्नती हैं? ये दावा भी कोई नहीं कर सकता। अब सारे खामोश हैं। जब किसी से जवाब ना बन पड़ा तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह थे तो तालिब इल्म खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दे सकता हूं। उनका बिल्कुल, अगर जवाब है तो दे सकते हो, आओ। आगे बढ़े और कहने लगे, बादशाह सलामत दोबारा बात बताओ, मसला क्या है? उन्होंने कहा कि ये मसला है, बैठे हुए थे, बीवी ने मुझे कहा कि तुम जहन्नमी हो और मैंने उसे कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुम्हें तलाक। तो अब आप बताएं मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं? अगर मैं जन्नती हूं तो तलाक नहीं होती, अगर जहन्नमी हूं तो फिर तलाक है, बताओ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अमीरुल मोमिनीन ये बताएं कि कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मौका भी आया कि ऐसा गुनाह जो कर सकने पर आपको पूरी कुदरत हासिल हो गई हो, कोई चीज रुकावट न हो उस गुनाह के करने में, न कोई देखने वाला हो, न कोई रोकने वाला हो, न कोई टोकने वाला हो, उस मौके पर आप गुनाह कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आपने अल्लाह के डर से उस गुनाह को छोड़ दिया हो, जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया? हारून रशीद ने कहा हाँ, कई मौके मेरे कुछ भी ऐसे आए कि गुनाह बिल्कुल मैं कर सकता था, मुझे कुदरत हासिल थी गुनाह करने पर, लेकिन अल्लाह का खौफ आया, मैंने गुनाह नहीं किया। तो कहने लगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि अमीरुल मोमिनीन तलाक नहीं हुई, आप जन्नती हैं। अब सारे उलमा मुफ्ती बैठे थे कि ये लड़का क्या कह रहा है, जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, क्या कह रहे हो भाई, कैसे जन्नती है? उसने कहा कुरान को देखो ना, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए जन्नतें हैं। ये अल्लाह के सामने खड़ा होने, अल्लाह के सामने जवाब देने की वजह से खौफजदा हुआ था गुनाह पर कादर होने के बावजूद, इसने गुनाह को छोड़ दिया अल्लाह का खौफ दिल में लाते हुए। अल्लाह ने खुद फरमाया कि वो जन्नती है, तुम कैसे कह सकते हो कि जहन्नमी है? सब ने सर झुका दिए कि फतवा तुम्हारा ठीक है। तो बहर तौर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम अता फरमाया था, मर्तबा अता फरमाया था, उम्र उनकी कम है, 150 हिजरी में पैदा हुए हैं और 204 हिजरी में उनकी वफात है, 54 साल उनकी उम्र है। और वो भी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो जब ये तस्करे मुकम्मल होंगे तो आखिर में अर्ज़ करूँगा कि इन पर कितने मसाइब आए,
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह किन मसाइल से गुज़रना पड़ा, कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, इतना आसान नहीं था। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कितने मसाइल से गुज़रना पड़ा, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात जो हुई तो ये भी उनको सर पर ज़रब मारी गई थी, एक लोहे की सलाख से मारा गया था उनके सर पर, जिससे सर फट गया था और बाद में उसी की वजह से उनकी वफ़ात हुई है। 204 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इन नफूस कुर्सिया से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।